हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी आप देख सकते हैं बात हो रही है सलार के ट्रेलर की, लेकिन पीछे पोस्टर आपको दिख रहा होगा कल्कि का। तो भाई इसके पीछे क्या माजरा है, ये सब क्या कुछ चल रहा है आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो फटाफट सब्सक्राइब। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर रेबल स्टार प्रभास फैंस, बिकॉज दो न्यूज इनकी आ रही हैं निकल कर जो सुपर डुपर स्पेशल होने वाली हैं। पहली न्यूज जो है वो है सलार के ट्रेलर को लेकर। सो एवरीबडी नोज कि सलार को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने ऑन ग्राउंड बज की आपसे बात करी थी कि ऑन ग्राउंड बज भी सलार का बहुत ही ज्यादा है, और ओवरसीज मार्केट में भी रेबल स्टार प्रभास का नाम इतना ही है, इतना ही काफी है कि 5 दिनों की सलार की ओवरसीज बुकिंग जो स्टार्ट हुई थी उसने $6 लाख अर्न कर लिए थे जस्ट फ्रॉम दी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। ठीक है, एक बात ये। अब सोशल मीडिया पर एक काफ़ी सारे पोल्स मैंने देखे जो कि सलार के ट्रेलर को लेकर हैं। यस गाइस, अगर फिल्म सोचो आ रही है 22nd of December को, तो इसके ट्रेलर, इसके टीजर, इसके सारे प्रमोशनल यूनिट्स के ऊपर काम होना स्टार्ट हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से होगा। भाई प्रशांत नील है वो, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोई भी, उनका दिमाग किस तरफ जाता है एंड द वे ही कैलकुलेट्स द नंबर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई KGF को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है, तो सलार को कोई क्या देगा। ठीक है, तो सलार की बात अगर हम करते हैं, मैंने काफ़ी सारे पोल्स देखे जिनमें एक पोल ऐसा था जिसमें क्वेश्चन किया गया कि आर यू विच ट्रेलर इज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रेलर अकॉर्डिंग टू यू, और उसका जो रिजल्ट था उसमें सलार थी, उसमें टाइगर 3 थी, और मेरे ख्याल से उसमें एक और फिल्म एनिमल थी। ये तीनों का उन्होंने एक पोल किया था जिसमें साफ तौर पर सलार को 78% वोट्स मिले थे। अब इस वक्त पर मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंटेन किया है कि हम जब भी बात करते हैं सलार की और डंकी की, इट शुड नॉट बी इन अ फाइटिंग वे पर्पज, इट शुड नॉट बी वर्सेज, इट शुड बी लाइक हैंड इन हैंड। ठीक है, दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। तो अब ऐसा वाला पोल जिसमें वर्सेस वाले में सलार के साथ डंकी भी होता है, तो फिर वो एक नेगेटिव टाइप का एक नेगेटिव टाइप का मैसेज देता है, विच आई डू नॉट लाइक। बट हाँ, जब बात आती है अकेले सलार की, तो सलार की का भी अच्छा खासा ऑडियंस में रिप्यूट है, ऑडियंस में काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर। और माना ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि जब प्रभास का बर्थडे होगा, विच इज़ 23rd of October, येस गाइज 23rd of October इज डार्लिंग प्रभास बर्थडे, तो रेबल स्टार के बर्थडे वाले दिन हमको सलार का कोई यूनिट देखने को मिल सकता है। इट कुड बी एन अर्ली ट्रेलर, इट कुड बी एन अर्ली पोस्टर और समथिंग, पोस्टर तो आराम से आ सकता है, लेकिन एक बड़ा सा गिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है। अब इसी में अब बात करते हैं कल्कि की। इसी में एक और भी खबर ये आ रही है कि हमको हो सकता है 23rd of October को कल्कि का एक नया और एक बड़ा अनाउंसमेंट सुनने को मिले, विच इज़ द डेट अनाउंसमेंट। यस यस गाइज, कल्कि का डेट अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। वैसे ही 30 मिलियन YouTube व्यूज़ हो चुके हैं क्रॉस ऑन जस्ट द ग्लिम्स ऑफ कल्कि। आपको याद है, हमें याद है कि कल्कि का क्या तरीके का वो जो ग्लिम्स हमने देखा था वो कितना एक्साइटिंग था, इट वॉज सो फ्यूचरिस्टिक। ये जो हम ये देख रहे हैं ये तो AI जनरेटेड लग रहा है कुछ और फैन मेड है, लेकिन जो हमने एक्चुअली देखा था इसमें प्रभास के पास एक भाला टाइप का आता है उनकी आँख के पास, एंड देन यू नो द वे ही लुक्स अप, उफ दैट वॉज किलर। और वही नहीं, एक और भी वो जेस्चर करते हैं, वो हैंड जेस्चर जो होता है एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड गूज़बम्स वाला था वो। तो अब ये दो यूनिट्स, दो फिल्में ऐसी हैं जिनको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है प्रभास के लिए। और एक फैक्ट ऐसा भी है जो कि माना जाता है कि प्रभास जो है वो एक बार में एक ही फिल्म को ज़्यादा प्रमोट करने में बिलीव करते हैं, ही डजंट बिलीव इन बर्डनिंग अप एवरीबडी कि सबके ऊपर बहुत सारा कुछ डाल दिया, ऑडियंस के ऊपर काफ़ी सारी प्रमोशनल मटेरियल डाल दी, ही डजंट लाइक्स दैट, ही वुड ओनली रादर प्रमोट वन मूवी। इसीलिए अभी हमको कल्कि का कुछ भी ज़्यादा सुनने को मिल नहीं रहा है, और मोस्ट प्रॉबेबली अगर मिलता है तो अपने बर्थडे पर वो सबको, फैंस को ये गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ये सब देखते हुए, तो मुझे लगता है सलार को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उनके बर्थडे पर भी, और कुछ जो भी प्रमोशनल मटेरियल आता है वो सलार का ही आएगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो देखते हैं अभी क्या कुछ न्यूज़ आती है आगे चल के हमको पता चल जाएगा, लेकिन आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट सलार एज वेल। आर यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ऑल स्टोर फैंक्स।